बलविंदर जी, आज आप जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं लैंड एंक्रोचमेंट को लेकर, जो मजीन इलाका है सिदड़े का, क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर जेडीए ऑफिस ही पहुँचे हैं, क्या मतलब आपका क्या मेन क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा आपको, अभी 21 तारीख को जेडीए की लैंड कलेक्टर्स ने यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाल दिया फॉर लैंड एक्विजिशन। वो लैंड एक्विजिशन कहाँ की? पूरा रंजीतपुरा विलेज, पूरा सिहोड़ा विलेज जो कैंप गोलगढ़ के साथ पड़ता है, यहाँ पर वो लोग बसते हैं, ज़्यादातर जो लोग बसते हैं वो 47 से माइग्रेट होकर पाकिस्तान से यहाँ आए हैं। 70 साल के बाद उनको यहाँ पर टोटल 5 लाख रुपया दिया गया, अपना ज़मीनें जताते सब कुछ छोड़ के। अब 70 साल के बाद वो उनके आगे एक एक घर का 5-5 कुंभे बन गए हैं, उन्होंने अपने घर पर बनाया। आज सरकार जेडीए नोटिफिकेशन निकालती है कि आपकी लैंड हम एक्वायर करने जा रहे हैं, वहाँ पर सेटेलाइट टाउनशिप तैयार करना है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जेडीए से ये पूछना चाहता हूँ, मेरे पास ये 2012 की एक आरटीई एप्लीकेशन का जवाब है जिसमें सरकार ने जेडीए ने 4452 कनाल 13 मरले जमीन मजीन में एक्वायर की, एक्विजिशन की, मजीन 1 और मजीन 2 में एक्वायर की, 4452 कनाल लोगों से ली, उसके अगेंस्ट पैसा दिया गया, थोड़ा चेक दिया गया, चेक नंबर इसमें दिए गए हैं, और जो वहां पर सेटेलाइट कॉलोनी का बनाने का जो प्रोग्राम था आज वो डेफर कर दिया गया। अपने ही जवाब में जेडीए के सेक्रेटरी लिखते हैं, कलेक्टर लैंड एक्विजिशन जेडीए का लिखते हैं, कहता जी हमने ये पूछा था भाई कितनी लैंड आपने क्लेम कितना दिया लोगों को, कितनी लैंड आपके पास है और कितनी दोबारा इंक्रोच होगी। वो जवाब क्या देते हैं, ये जवाब मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, जम्मू वासियों को, भाई जम्मू किस तरफ जा रहा है। वो जवाब लिखते हैं कि कहते हैं जो हमने वो लैंड एक्वायर की थी वहाँ पर अंदर जाकर ये देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि किस किस ने दोबारा इंक्रोच कर ली, क्योंकि हमें वहाँ जाने से पहले अपनी जान का खतरा है, हम वहाँ पर नहीं जा सकते, वहाँ बहुत बड़ा माफिया काम करता है, उस माफिया से हमें जान का खतरा है। इसलिए इन्होंने वो प्रोग्राम डेफर कर दिया, तो किसको चुना? वो लावारिस कौम, वो सिख कौम जिसका कोई वाली वारस नहीं, जिसका कोई मंत्री नहीं, जिसका कोई एमएलए नहीं, जिसका कोई कश्मीरी बोलने वाला नहीं हुक्मरान, ना जम्मू के 25 एमएलए उनके लिए बोलने वाले, इनको वो बड़ा सॉफ्ट टारगेट मिला। इन्होंने कैंप गोलगुजराल में रंजीतपुरा को एक्विजिशन के लिए नोटिफिकेशन निकाला, आज लोग यहाँ पर लास्ट डेट है, हम अपनी ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए आए हैं। और मैं वीसी साहब को वार्न कर दूं, आप वहां से जूते खा के आए हो, आप गुजर कॉलोनी से खाली करने गए, इनलीगल एनक्रोचमेंट खाली करने के आपको जूते पड़े, एसएचओ घायल हुआ। जम्मू में पिछले 20 सालों में 20 लाख कनाल जमीन एनक्रोच की गई, अगर आपने सेटेलाइट कॉलोनी बनानी ही है तो वो 20 लाख कनाल जमीन को खाली कराओ, स्टेट लैंड को खाली कराओ, वहां पर कॉलोनी बनाओ, ना कि बसे बिलासाए लोगों का घर उजाड़कर वहां कॉलोनी बनाओ, वहां पर आपको कॉलोनी नहीं बनाई दी जाएगी। जब तक हम जिंदा हैं आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे, आपको वहां पर कॉलोनी नहीं बनाने देंगे। स्टेट लैंड जो लोगों ने इंक्रोच की है, जो हमारे पॉलिटिशियंस ने इंक्रोच की है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने इंक्रोच की है, जो जम्मू का बहुत बड़ा माफिया है जिसने इंक्रोच की है, उसमें पुलिस अफसर भी शामिल है, उन्होंने इंक्रोच की है, उस जमीन को खाली कराओ और वहां पर सेटेलाइट कॉलोनी बनाओ। हाईकोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद आप तभी के किनारे से इंक्रोचमेंट खत्म नहीं करा सके, उल्टा आपने इन लोकल कॉलोनियों को पानी के कनेक्शन दिए, बिजली के कनेक्शन दिए, आंगनबाड़ी सेंटर्स खोले और बहुत सी स्कीमें उनको दी। किसने दी, किसकी साजिश थी, इसकी बड़े पैमाने पर इंक्वायरी होनी चाहिए। जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, जो मर्जी करो, लेकिन अगर सिख बस्तियों को किसने छेड़ने की कोशिश की तो हम अपनी जान की बाजी तक लगा देंगे, एक इंच जमीन अपनी नहीं देंगे। बलविंदर जी, डेमोग्राफिक जो चेंज की बात की जा रही है, काफी जगह पर इस तरह की बात की जा रही है, काफी जगह पर रोहिंग्याज भी यहाँ पर बस गए हुए हैं, क्या टारगेट क्यों किया जा रहा है, खास करके कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है और उनको तंग करने की कोशिश, क्या समझते हैं आप? एक तरफ से
इंडिया तो सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुस जाती है, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो ये लिख रहे हैं कि उनको जान को खतरा है, क्या मतलब इस पे क्या कहना सर? मैं हैरान होता हूँ, अभी जम्मू में बीजेपी की सरकार रही जो जम्मू को अपने आप का हितेशी कहते थे, उन्होंने भी क्या किया? मैं हैरान होता हूँ, जम्मू की डेमोग्राफी, जम्मू की किस कदर चेंज की जा रही है, अपने कागजों में ये लिख के देते हैं हमें भाई, हम जो जगह एक्वायर की है, पैसा दिया है, हम वहां भी जाके माइश नहीं कर सकते, फीता नहीं मार सकते, क्योंकि हमारी जान को खतरा, वहां नहीं जा सकते। इतनी ज्यादा डेमोग्राफी चेंज, रोहिंग्या को यहां बसाया जा सकता है, बांग्लादेशी को यहां बसाया जा सकता है, उनके लिए जगह निकाली जा सकती है, और आज आप उठ के चले हुए, तैयार हो गए, जो कैंप गोरखजाल में बसे हुए 47 से जो लोग जुड़ गए, बड़ी मुश्किल से आज एक एक फैमिली की पांच पांच छह छह फैमिलियां बनी है, बड़ी मुश्किल से मेहनत का कम्युनिटी है, आज उन्होंने अपने घर बार आबाद किए, आज किसी को शादी की बच्चे की जरूरत पड़ती है वो अपनी दो तीन मरला जगह बेच के वहां पर गुजारा करता है। जेडीए ने अपने प्लाट जो वहां पर बेचे वो 50 लाख रुपए कनाल बेचे, आज जो एक्विजिशन करते हैं वो 5 लाख रुपए कनाल के हिसाब से करते हैं। क्या हम लोगों को अपने प्लाट बेचने की जांच नहीं? जेडीए को ज्यादा जांच आती है। अगर जेडीए इतनी ही ज्यादा ठीक काम करने वाली है तो 20 लाख कनाल जो जम्मू में इंक्रोच हुई है, जो विदेशियों ने इंक्रोच की है, जो बांग्लादेशियों ने इंक्रोच की है, जो रोहिंग्या ने इंक्रोच की है, जो पॉलिटिशियनों ने इंक्रोच की है, उसको खाली कराए और वहां पर कॉलोनी बनाए। सिखों को यहां से जोड़ने की कोशिश की तो एक एक लाख एक एक सिख एक सब पे भारी पड़ेगा, इनको ना नीचे तक रखे रख देंगे। कैसे आप इस लवारिस कौम को छेड़ते हो, बसे बजाए लोगों को वहां से छेड़ते हो, सब यहाँ पर खड़े हैं, एक इंच जमीन आपको नहीं लेने देंगे, एक इंच जमीन नहीं लेने देंगे। वीसी साहब, किसी गलतफहमी में नहीं रहना, किसी कश्मीरी हुक्मरानों के दबाव में नहीं रहना कि आप हमें उजाड़ के यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करोगे, बिल्कुल नहीं करने देंगे, अपनी जान की बाजी लगा देंगे, एक इंच जमीन नहीं जाने देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह जी, जिन्होंने डेमोग्राफिक चेंज की भी बात की है, और ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न भी है जिसको लेकर जिस तरह से एक आरटीआई में जवाब भी आया और ये भी कहा गया कि जो ऑफिशियल्स हैं वो उस इलाके में नहीं जा सकते क्योंकि उनकी जान को खतरा है। आप लोग देखते रहे जेके मीडिया, आशीष कोहली कैमरामैन, अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए।